एक एक्टर का डायरेक्टर बनना कितना मुश्किल कितना आसान? कितना मुश्किल कितना आसान? अच्छा ऑनेस्टली बताऊं, ना ये पता था कि मैं एक्टर बन सकता हूं, ना ही ये पता था कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूं। भाई शो मत कर यार, किस गेस्ट को बुला लिया। अच्छा एक्टिंग तो फिर भी चलो कर ही दी, यानी कॉन्फिडेंस था स्कूल के जमाने से कर रहे थे मस्ती मजाक, ये वो कॉन्सेप्ट भी बनाते थे, एक्टिंग भी करते थे, लेकिन डायरेक्शन का तो मुझे भी नहीं पता था। एक दिन एक शूट पे गया, तो एक शूट पे गया तो डायरेक्टर साहब पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है जी, तो मैं ये कौन सी शूट पे जा रहे हैं? एक शूट उसमें डायरेक्टर जो है ना अचानक गायब हो गए। ओके, तो कोई मसला हो गया होगा। अब बैठा हूँ मुझे समझ नहीं आई, मैं गया कैमरा मैन के पास, मैंने भाई आप आए हो, कह रहे हैं मैंने सामान कह रहा सब है, तो मैंने बोला यार एक्टर बाकी कह रहे हैं वो भी है यूं भी है, मैंने तो डायरेक्टर का है यार, तो कह रहे हैं यार वो किसी काम से गए हैं। मैंने यार अच्छा, अब बैठे बैठे काफी टाइम हो गया जी। तो मैंने यार जब सब हैं, अच्छा उस वक्त मुझे ये बातें नहीं पता थी कि यार डायरेक्टर बहुत माइंड करते हैं, क्योंकि शुरू के दिन थे, तो मैंने जब सब हैं तो चला छुट्टी कर लेते डायरेक्टर बगैर छुट्टी कर लेते हैं। वेरी गुड, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी कोई बहुत कोई बड़ी मायूब बात है ये, जो जाहिर डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है पता लग गया, लेकिन उस वक्त नहीं पता था। तो क्योंकि हम तो घर के साथ काम ही कर रहे थे ना, घर घर वाले घर घर खेलते थे हम लोग, तो फैमिली के साथ शूटिंग होती थी। तो खैर मैंने, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं डायरेक्ट कर सकता। फिर तो बहरहाल वो रखा कैमरा, चलो भाई आ जाओ यहाँ कर लो, यूं कर लो, यूं कर दो, यहाँ से करते हैं यहाँ से करते। तो आप कास्ट में थे या एक्टिंग कर रहे थे? ओके, तो मैंने बस डायरेक्शन दे दी दो सीन, इतने में डायरेक्टर साहब आ गए और वो बहुत गुस्सा किया उसने। कौन थे वो डायरेक्टर? ये नाम बताना वो पसंद करेंगे? है नाम बताना अब कहीं नहीं है वो। हाँ फिर क्या बोला यार, जो अपनी शूट पे आई नहीं रहा तो क्या होगा। तो अब हुआ ये कि वो उससे बहुत गुस्सा किया, तो मैंने बोला भाई तो दोबारा कर लो, तुम तो थे ही नहीं, तो हमने बोला चलो रिहर्सल कर करें। उसने फिर सीन दोबारा किया, जो दोबारा किया ना तो सबने बोला यार जो आपने किया था ना वो बेस्ट था। अच्छा, तो मुझे ना 180 पता, ना एंगल्स पता, ना क्या, मतलब काम कर रहे थे हम। तो अब फिर एडिट हुआ, एडिट होके मुझे एडिटर का फोन आया कि दानिश तुमने जो डायरेक्ट किया है ना वो अच्छा। मैंने अच्छा भाई मुझे नहीं पता कि, तो खैर मैं हालांकि मैं इतना वो एक्टर था, ऐसा एक्टर था कि मुझे कंटिन्यूटी क्या होती ये नहीं पता था। मुझे वो फोन कर एडिटर, पहले की बात है इस डायरेक्शन वाले सीन से पहले की बात है कि मुझे फोन किया एडिटर ने कि यार आप तुम अच्छा करते हो लेकिन यार वो कंटिन्यूटी तुम्हें पता नहीं कैसे होती है। तो मैंने बोला मैं अच्छा मैं देख लूंगा आप कंटिन्यूटी। फिर अगले एपिसोड में फोन आया उसका, यार तुम कंटिन्यूटी का ख्याल नहीं रखते। मैंने अच्छा फिर क्या मैंने बोला भाई कंटिन्यूटी होती क्या है भाई, ये तो बता दे कोई। तो उसने बताया कि आप जैसे एक सीन में आपने ये कप उठाया है और बात कर रहे हैं कप उठा के, लेकिन फिर दोबारा जब वो सीन क्लोज होता है तो आप कब उठाते ही नहीं हो, इसको कंटिन्यू एडिट में बुला के दिखाई करने लगते। मैं यानी मैं ऐसा वाला एक्टर था बिल्कुल कोरे, ये तक नहीं पता था कंटिन्यूटी क्या होती, बस बैठते थे बातें करते थे। तो उस दिन मैंने फिर सीन डायरेक्ट किया तो उस एडिटर ने मुझे दिखाया, उसने बोला यार तुमने अच्छा डायरेक्ट किया। बस वहां से मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा यार मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। फिर हमारे असवर भाई हैं, असवर अली असवर, उनके पास मैं गया, मैंने बोला सर आप मुझे सिखाएं जरा, क्योंकि सबसेट वगैरह करते हो। उन्होंने मुझे 2 घंटे की क्लास दी डायरेक्शन के ऊपर। Nice. तो मैंने कहा ठीक है।